सभी को नमस्ते। मैं प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट टीचर, मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल गोयना, ब्लॉक हापुड़, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। पहले मैंने आपसे बेसिक अल्फाबेट बुक शेयर करी थी, जो कि ये वाली थी। अब इस बुक के थ्रू बेसिक अल्फाबेट स्टार्ट कराने के बाद, जब बच्चे को ये आ जाए ए टू जेड, उसके बाद इसके साथ साथ हमारी क्लास में कुछ एडवांस बच्चे भी होते हैं जो जल्दी से लर्न कर लेते हैं, उनके लिए अब मैंने ये तैयार करी है। ये आप देख सकते हैं, एडवांस अल्फाबेट बुक। इस बुक में मैंने पहले इस वाली बुक में एक अल्फाबेट के साथ एक ही पिक्चर लगाई थी, जिससे बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे देख आपने पहले देख चुके हैं, जैसे एक अल्फाबेट के साथ एक पिक्चर। अब इस बुक को मैंने थोड़ा और एडवांस किया है और एक अल्फाबेट के साथ तीन पिक्चर कम से कम लगाए हैं, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि जो एडवांस बच्चे हैं, जिनका लेवल मेंटल लेवल अच्छा है और पकड़ अच्छी है, स्पीड अच्छी है, वो बच्चे इसको रीड करेंगे और रीड करने के साथ साथ उनकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी। और फर्स्ट क्लास में क्रॉस करते करते फर्स्ट क्लास क्रॉस करते करते ये सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी वो डेवलप कर लेंगे। अब एक और स्पेशल बात का मैंने ध्यान रखा है इस बुक को बनाते समय, हर अल्फाबेट के साथ जो पिक्चर्स सेलेक्ट करी हैं वो इस तरह की करी है कि उनका लेवल बहुत इजी है और क्लियर है, यानी कि हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझा सकते हैं। जैसे कि C, C फॉर कैट, C, C फॉर कैप, C, C फॉर कप, सभी में थ्री साउंड वाले क्लियर वर्ड्स आ रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि मैंने प्राइवेट बुक्स बहुत सारी देखी हैं और जिनमें मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल पिक्चर्स तो लगा देते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होती हैं, जैसे टी फॉर ट्री, ट्री फॉर ट्रैक्टर, इस तरह की पिक्चर्स लगा देते हैं जो हम साउंड के साथ बच्चे को स्टार्टिंग में क्लियर नहीं कर सकते, बल्कि बच्चे को और कंफ्यूजन हो जाता है, सिर्फ ओरल डिक्शनरी में ही रह जाता है। लेकिन इसके साथ हमने इसको साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया है और इसके साथ हम क्लास सेकंड में भी बच्चों को आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि ये डी फॉर डॉग है, तो साउंड हमने बच्चे को पहले सिखाई है, साउंड को फॉलो करके ड अ ग डॉग बच्चे को हम राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करा सकते हैं। इस तरह से सारी ही अल्फाबेट्स में ध्यान रखा गया है कि ऐसे पिक्चर्स को हमने यूज़ किया है कि बच्चे साउंड को फॉलो करके ईजीली राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न कम से कम क्रिएट किया है और ईजीली बच्चे ये अल्फ़ाबेट इतने सारे वर्ड्स ईजीली सीख सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है एडवांस अल्फ़ाबेट बुक। तो निश्चित रूप से इस बुक से बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और बच्चों की इंग्लिश लर्निंग काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड की होगी। और इस बुक को बनाते समय मैंने क्या यूज़ किया है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें जो बैट कवर हमारे यहाँ आते हैं उस बैट कवर में इस तरह के कुछ गत्ते टाइप आते हैं, जिसको हम मैंने इसमें यूज़ करा है और उसे चार्ट पेपर से कवर करके, और जो मेरी बिटिया की पुरानी क्लास की बुक थी वेस्ट हो चुकी थी, रद्दी में जाने वाली थी, इसमें से पिक्चर्स काट काट के मैंने इसमें यूज़ करी हैं और इस तरह से ये एक बहुत ही यूज़फुल बुक बच्चों के लिए रेडी हो गई है। देखिए, ये बुक देखने में भी अट्रैक्टिव है और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ यूज़फुल भी उतनी ही है। अगर आपको भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।